नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BSET की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन की आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री। आज की क्लास में हम इतिहास विषय के कुछ 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, जनेबी ऑप्शन नंबर डी चंद्रबरदाई जो है इस प्रश्न का सही उत्तर लगता है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि निम्न में से किसका जो है प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, जिन्हें भी लगता है भास्कराचार्य इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो बिल्कुल ठीक है, भास्कराचार्य जी का भारत के आयुर्वेद शास्त्र से कोई संबंध नहीं था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। दोस्तों नाम याद रखिएगा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो आप लोग दोस्तों एक नाम सुना होगा, चरक नाम की एक कंपनी है जो आयुर्वेद की दवाओं से दवाओं का निर्माण करती है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, चिकित्सा से। तो ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा। बिल्कुल ठीक है, दस कुमार चरित्र जो है वो कालिदास जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जो तीन रचना है, ऋतु संहार, मेघदूत और कुमार संभव, ये तीनों की तीनों रचनाएं किसने की है। दोस्तों ये रचना जो है कालिदास जी ने की है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, जिन्हें भी लगता है कि रामानुज के अनुयायियों को हम वैष्णव नाम से जानते हैं, तो उनका उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामानुजाचार किससे संबंधित है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए, बिल्कुल ठीक है, जिन्हें भी लगता है कि रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्टता द्वैतवाद से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, जिन्हें भी लगता है ऑप्शन नंबर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, जिन्हें भी लगता है ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, जीवक, बिल्कुल सही है, जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो बिल्कुल ठीक है, जिन्हें भी लगता है ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी बिल्कुल ठीक है, ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के लेखों में भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ए जो है, हेरोडोटस बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन राजस्व व्यवस्था में कर शासन क्या था। दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कि प्राचीन राजस्व व्यवस्था में कर शासन क्या था। तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजकीय घोषणा पत्र जिसमें कर संग्रह का अधिकार दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। असम का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों में से शायद कुछ लोग जानते भी होंगे कि असम का प्राचीन नाम जो है वो कामरूप है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामानुज ने किस मार्ग को प्रोत्साहित किया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामानुज ने किस मार्ग को प्रोत्साहित किया था। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रामानुज ने भक्ति मार्ग को प्रोत्साहित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों जल्दी से बताइए कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बिल्कुल ठीक है, अनंत वर्मन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, अनंत वर्मन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। चोल शासक अनुयायी थे। तो दोस्तों चोल शासक जो थे वो किसके अनुयायी थे। तो बिल्कुल ठीक है, चोल
जो शासक हुआ करते थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है जनाबी सिकंदर लोदी इस प्रश्न का सही उत्तर लगता है। बिल्कुल ठीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आगरा शहर की स्थापना जो वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजस्व है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक है, बहलोल लोदी ने यह घोषणा की थी कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजस्व है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित शासकों में से कौन जो थे वो अफगान मूल के थे। तो बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर डी, लोदी सल्तनत के शासक जो थे वो उनका मूल स्थान कहां था? वो अफगान के थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित हैं? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरकेली। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो दोस्तों अलाई दरवाजे का निर्माण जो है वो किस सुल्तान ने कराया था, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों पहले तो आप प्रश्न पढ़ लीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको कि इतिहास जैसे विषय को 50 एमसीक्यू क्वेश्चन में समेट पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हम आपको इतिहास की डिटेल्ड एक दो क्लास प्रोवाइड करा देंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। तो इस वीडियो को प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि जो है वो किस कारण त्याग दी थी। तो चारों ऑप्शन आपको सामने दे रखे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, चौरी चौरा की घटना के सॉरी दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है अंग्रेजी शासन से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, जिस कारण उन्होंने अंग्रेजी प्रशासन द्वारा दी गई नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वराज्य के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए है, स्वराज्य के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए है का आह्वान किसने किया था? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जिन्हें भी लगता है इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड है। जिन्हें भी लगता है इस प्रश्न का ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही उत्तर है कि भारत भारतीयों के लिए है, यह स्वामी दयानंद सरस्वती का आह्वान था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवादी नेता नहीं है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा को। तो बिल्कुल ठीक है, देखिए राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और एस सी बोस, ये तीनों के तीनों समाजवादी नेता रहे हैं। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी एम आर जयकर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जन्म, पहले तो ये बताइए कि उनका जन्म जो है वो कब हुआ था। तो दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ पे? तो इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महू। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह घोषणा जो है वो सबसे पहले किस भारतीय के द्वारा की गई थी? तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि स्वतंत्रता जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके अलावा चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जी चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से विचार कीजिए और बताइए। जी दोस्तों वेरी गुड, जिनका भी ऑप्शन जी वेरी गुड है। जी दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी दोस्तों बिल्कुल वेरी गुड है, बिल्कुल ठीक है, जिन्हें भी लगता है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, एम ए जिन्ना और खिलाफत आंदोलन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं।
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। जी दोस्तों वेरी गुड, जिन्हें भी लगता है ऑप्शन नंबर डी सॉरी दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी दिखा नहीं पाया मैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था ये सही नहीं है, जबकि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में सम्मिलित नहीं था, तो दोस्तों चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो जल्दी से बताइए कि जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्न में से क्या शामिल नहीं था? तो बिल्कुल ठीक है, पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना, यह जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में सम्मिलित नहीं था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहां था? तो दोस्तों भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की जो है प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहां थी? तो बिल्कुल ठीक है, हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में भारत का प्रथम वाणिज्यिक बैंक स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो दोस्तों अगर आपको इतिहास के बारे में जानकारी है तो बिल्कुल ठीक है, जिन्हें लगता है कि बंगाल का विभाजन पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो सबसे बाद में हुआ था, तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक है, रशिया जो है इस प्रश्न का, रूस जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बिल्कुल ठीक है, 1950 में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में भारत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो ये प्रश्न पहले ही देख चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड, जिन्हें भी लगता है चार्ल्स विल्किंस इस प्रश्न का सही उत्तर है, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति थे, उनका नाम था चार्ल्स विल्किंस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया था? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, महाराजा गंगा सिंह को चीन पदक प्रदान किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पर स्थित है? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, जिन्हें भी लगता है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय जी की समाधि स्थित है, तो यहां से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो बिल्कुल ठीक है, वर्ष 1872 में भारत में प्रथम बार जनगणना आयोजित की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन नव बंगाल चित्रकला शैली का एक प्रवर्तक था? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, जिन्हें भी लगता है ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर जी जो है वो नव बंगाल चित्रकला शैली के प्रवर्तक रहे थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया था? तो दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इन्हें जो है सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देने की बात कही थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का ध्वज गीत, दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, जिसे हम झंडा गान भी बोलते हैं, किसके द्वारा रचा गया था? तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आप भारत में रहने वाले हो तो भारत का ध्वज गीत कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह भारत का झंडा गान है या फिर ध्वज गीत है, और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, श्यामलाल गुप्ता जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों,
नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना जो है वो राजनीतिज्ञ, यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक है, यह कथन जो है वो मौलाना आजाद के द्वारा कहा गया था कि नेहरू राष्ट्रभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शहीद भगत सिंह का स्मारक कहां स्थित है? जी दोस्तों, तो इन्हें सबसे पहली बात, ये फांसी दी गई थी कब दे दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी। और इनका जो है स्मारक कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, शहीद भगत सिंह जी का स्मारक जो है वो फिरोजपुर में स्थापित है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो बिल्कुल ठीक है, बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, कानून मंत्री थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था उनका नाम बताइए। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी याद आ गई होगी। तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अलीपुर सेंट्रल जेल कहां पर स्थित है? दोस्तों अलीपुर सेंट्रल जेल कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अलीपुर सेंट्रल जेल जो है वो कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? जी दोस्तों एक ही प्रश्न में आपके दो प्रश्न तैयार। जी दोस्तों जल्दी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है वो 1891 में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु जो है वो 1956 ईस्वी में हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया था? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया था? तो बिल्कुल ठीक है, आंध्र प्रदेश का निर्माण सर्वप्रथम किया गया था भाषा के आधार पर। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल ठीक है, भारत पाकिस्तान की सीमा को हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों भारत चीन युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? जी दोस्तों भारत चीन युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो बिल्कुल ठीक है, जिन्हें भी लगता है ऑप्शन नंबर बी, 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम आपको हिस्ट्री की डिटेल्ड क्लास जरूर प्रोवाइड करा देंगे एक दो दिन में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।